Good morning, class students. And today I will start you with the chapter National Income and Related Aggregates. Already I have given you some concepts regarding the domestic and the final goods, intermediate goods, domestic, national. मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में काफी कुछ. But today I will again just get some revision session. Whatever I given you lesson through the laptop the last video. But the main thing because maybe some student could not understand exactly the concept. But now we are getting the main nation income or related aggregates. काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लेगा, लेकिन धीमे धीमे पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को लेकर चलेंगे तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है. सबसे पहली बात जो तीन चीजें बताई गई है न्यूमेरिकल में जो काम आता है वो, ठीक है. सबसे पहली बात ग्रॉस, एक वर्ड है ग्रॉस और एक वर्ड है आपके सामने नेट. ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल सम एड अप, यानी जितना है सब कुछ उसे हम बोलते हैं ग्रॉस. और नेट माने क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू. इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसे हम परचेजिंग वैल्यू भी कहते हैं, परचेजिंग वैल्यू भी कहते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है और दैट इज अ परचेजिंग वैल्यू, दोनों में डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर एक बंदा जाता है मोबाइल खरीदता है, उसे 20,000 रुपए का मोबाइल मिलता है, दैट इज परचेजिंग. इट मीन्स ऑन दैट अमाउंट ही परचेज्ड अ मोबाइल ऑफ कॉस्ट 20,000. इट मीन्स दैट इज अ ये ग्रॉस वैल्यू. बट आफ्टर जस्ट 2 ईयर्स, 2 साल बाद ये इसी मोबाइल को सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है. इट मीन्स नाउ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज 16,000. It means that is the actual value after 2 years of the same mobile. It means this value is called the net value. But here is the difference of rupees. How much the difference? Here is the difference is rupees 4,000. यहाँ 4,000 का difference है. कितना? 4,000 rupees. और 4,000 यहाँ पे क्या हुआ? That is our depreciation. ये क्या है? Depreciation है. यानी कि it's a reduction at a particular period of time. एक निश्चित समय के बाद जो वैल्यू घट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, घटना. तो इट मीन ये क्लियर है, यानी कि आप समझिएगा, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में आपको ग्रॉस दिया है और उससे अगर नेट पर जाना है, अगर ग्रॉस से अगर नेट पर आना है तो इट मीन हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से क्या करना है हमें, हम इसे माइनस डेप्रिसिएशन, ध्यान रखिएगा. और अगर मुझे नेट से मुझे ग्रॉस पे जाना है, इट मींस प्लस डेप्रिसिएशन. एग्जांपल देख लीजिए, 20,000 16,000 था, अगर 16,000 क्या है, ये हमारी नेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है. इसमें से अगर मैं 4 डेप्रिसिएशन कितना था, 4,000 जोड़ तो कितना आएगा ग्रॉस, 20,000. और मैंने स्टार्टिंग बताया था ग्रॉस इज ए परचेसिंग वैल्यू. इट मींस ए पर्सन हैज परचेस्ड अ मोबाइल ऑन द रुपीस ऑफ 20,000. इट मींस दैट इज ग्रॉस वैल्यू, दैट इज अ फर्स्ट कांसेप्ट. ये फर्स्ट कांसेप्ट है, ध्यान रखिएगा. अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे आज न्यूमेरिकल, उसमें आपके काम आएंगे. सेकेंड वन की बात करेंगे. सेकेंड वन में जाने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. टैक्सेस दिए जाते हैं, क्या टैक्स दिया जाता है, ठीक है. तो यानी टैक्स कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. टैक्स ध्यान रखिएगा, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है. तो इट मींस यहां पर दो चीजें आएंगी, क्या आएगा, एक तो हो गया फैक्टर कॉस्ट और एक हो गया हमारा मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है, देखिए एक पेन 8 रुपए का बनाया और मार्केट में 10 रुपए का बेचा, ध्यान दीजिएगा. इट मींस अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड अ पेन, अ यूनिट ऑफ अ पेन ऑन द कॉस्ट ऑफ ₹8, दैट इज फैक्टर कॉस्ट. एंड द वैल्यू ऑफ दिस पेन इन मार्केट फॉर द सेल, दैट मींस दैट इज मार्केट प्राइस. ये मार्केट प्राइस है. बट हियर द डिफरेंस दैट इज अ डिफरेंस ऑफ टू, यहाँ पे टू का डिफरेंस है. तो इन हम रेजिंग क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जैक्टली टू, इट मींस द फर्स्ट आइडिया विल कम इन
mind of everyone, and that is two should be profit. But here is no profit inclusion जरूर होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता. नेशनल इनकम में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात नहीं करते. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो 2 रुपए आपके हैं, ये 2 रुपीज है, दैट इज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स कह लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स. ये आपका है इनडायरेक्ट टैक्स. अब देखिए फैक्टर कॉस्ट कितना, 8 रुपए. अगर मार्केट प्राइस 10 रुपए निकालना हो तो क्या ऐड करना पड़ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स, इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे. अगर यहां से आते हैं तो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और अगर मार्केट प्राइस अगर 10 रुपए से इस पे आना है तो घटाना पड़ेगा. इट मींस ये क्या होगा, ये माइनस NIT, और ये क्या हो जाएगा, प्लस. दैट इज अ सेकंड कंसेप्ट. और एक बात और, इनडायरेक्ट टैक्स NIT जो आपको NIT दिया गया है, ये कैसे निकलेगा? NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू, देखिए मुझे कुछ टैक्स पे करना है और टैक्स है मेरे पास 1000 रुपीज, बट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन और गवर्नमेंट ने मुझे कुछ छूट दी हुई है जिसे मैं सब्सिडीज बोलता हूँ, 200 रुपए, यानी कि मुझे 800 रुपए देने. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे एग्जैक्ट जितना मैं टैक्स पे रहा हूँ छूट हटा कर निकाल के, उसी को तो नेट बोलेंगे, नेट मतलब कुछ हटा कर, यानी कि NIT इक्वल टू अगर होगा तो क्या होगा, इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडीज हटा दी जाती है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर. अब बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की, तीसरे कंसेप्ट. थर्ड वन कंसेप्ट अब क्या कहता है, देखिए थर्ड वन ये कहता है, एक्सेप्टेबल, यस, थर्ड वन इज दैट, एंड दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल. देखिए डोमेस्टिक का मतलब इनसाइड ऑफ कंट्री, और नेशनल मतलब इनसाइड प्लस आउटसाइड, यानी आपके अपने देश में कितनी इनकम हो रही है उस अमाउंट को चेक करना, दैट इज अ कॉल्ड अ डोमेस्टिक. ये डोमेस्टिक है, लेकिन नेशनल जब इनकम काउंटेबल करते हैं तो इसका मतलब है इनसाइड और आउटसाइड दोनों, यानी कि यहां से हम भारत में रहकर कितना कमा रहे हैं वो तो है ही, साथ में फॉरेन में जाकर अगर हमारी फैमिली से कोई कमा रहा है तो कितना पैसा वहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं इनसाइड प्लस आउटसाइड बोथ, दोनों के. ठीक है, अब देखो अगर डोमेस्टिक से नेशनल में आना है जिसके अंदर हम आउटसाइड का भी निकाल रहे हैं, यानी बाहर से कितना पैसा आना है. ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें अगर आपको यहां आना है प्लस नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर डोमेस्टिक से आपको कहाँ आना है, नेशनल आना है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट, अगर आपको निकालना है ये, यानी आउटसाइड घटाना पड़ेगा, तो इसका मिक्स क्या हो गया, NFIA, यानी कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, लैपटॉप के थ्रू मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका मतलब क्या हो, देखें यानी कि विदेशी कितनी आमदनी होगी, इट मींस अगर मुझे 100 रुपए आ रहे हैं, कितने, अगर मुझे 100 रुपीज मिल रहे हैं और 20 रुपए का मेरा खर्च आ रहा है तो क्या होगा, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80, दैट इज कॉल्ड अ NFIA. तो मैंने क्या किया, इट मीन्स नेट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट पेमेंट टू द अब्रॉड, यानी कि जितना मेरे को मुझे विदेश से मिला और जितना मैंने विदेश में लिया, अगर मैं उसका डिफरेंस निकालूं, दैट इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो मेरे पास में आ गया ग्रॉस से अगर आपको नेट में आ रहा है तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस से नेट में आना है, और नेट से अगर आपको ग्रॉस में जाना है, इट मींस द
डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट. अनदर इज दैट इज फॉर योर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. इट मींस अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है, इट मींस यू हैव टू ऐड अप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज जो रिलैक्सेशन मिलते हैं उसके बारे में बात की गई है. और अगर मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स. थर्ड इज दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल. इट मींस इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक, इट मींस यू हैव टू ऐड अप क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट डोमेस्टिक, इट मींस यू हैव टू डिडक्ट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जितना गया, जितना आया होता है उसमें से घटा देंगे जितना पेमेंट किया. इट मींस नेट रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड माइनस नेट पेमेंट टू द अब्रॉड, जितना पेमेंट किया वो माइनस कर देंगे नेट रिसीव्ड में से. ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल ही समझने बहुत जरूरी है. यस, देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व. ठीक है, चलिए हमें से लग कर लो. सब कुछ यहीं चलेगा, अभी मैं आपसे जो बात करूंगा वो सब कुछ यहीं पे चलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि किस चीज के बारे में बात करें. ठीक है, देखिए नेशन इनकम पढ़ते समय हमें जो हमारे पास हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें फोर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 1, 2, 3 एंड द फोर चीजें हमेशा लिख के आती है. ठीक है, फर्स्ट वन जो आपके पास आएगा या तो यहाँ आपको हमेशा ग्रॉस मिलेगा या तो हमेशा आपको नेट मिलेगा. क्या मिलेगा, या तो आपको ग्रॉस मिलेगा इट मीन कैपिटल जी, या फिर आपको कैपिटल मिलेगा इट मीन नेट. अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अभी हमने आपसे बात की ना ग्रॉस है डोमेस्टिक नेशनल, अभी हमने आपसे बात की थी सेम थिंग. तो या तो मुझे फर्स्ट वन पे ग्रॉस मिलेगा और सेकेंड वन पे नेट मिलेगा. सेकेंड वन पे मुझे क्या मिलेगा, या तो मुझे डोमेस्टिक मिलेगा यानी कैपिटल डी मिलेगा, या फिर नेशनल दैट इज कैपिटल यानी कैपिटल मिलेगा. ठीक है, और थर्ड वन पे सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, दैट इज पी दैट इज प्रोडक्ट. थर्ड वन पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा. और यहां पर मुझे मिलेगा या तो फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, ये मुझे मिलेगा. जैसे कि फिर से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, समझने का आसान तरीका है कि जो भी जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें आपको चार चीजें मिलेंगी. एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस यू विल फाइंड आउट आइदर ग्रॉस और नेट, ऑन द सेकंड प्लेस यू विल फाइंड आउट आइदर डोमेस्टिक और नेशनल, ऑन द थर्ड प्लेस देयर विल बी प्रोडक्ट, ऑन द फोर्थ इट वुड बी आइदर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये मिलेगा. जैसे जी ले लू वन, यहाँ का एन ले लू और पी रहेगा पी या फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, या फिर जी ले लू डी ले लू पी ले लू मार्केट प्राइस. ठीक, या फिर जी ले लो यहाँ पर ले लिया जी के लिए क्या, अब एन ले सकते हैं एन एन पी फैक्टर कॉस्ट एन एन पी मार्केट प्राइस, या फिर एनडीपी करते हैं या एनडीपी करते हैं. इट मीन्स इस तरह सभी आ सकते हैं. आप बोलेंगे क्या, देखिए से ग्रॉस दैट इज अ व्हाट इज नेशनल या नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पढ़ेंगे कैसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, सेम थिंग ऐसे यहां पे क्या पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसी तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि निकालेंगे किस तरीके से, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, समझने के लिए बहुत जरूरी है और आपको आना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं.
Let's take a new molecule. That is, question is, calculate डेप्रिसिएशन दिया है दैट इज 600. फिर हमें दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब ये हमें दिया है दैट इज 300 एंड एन आई टी नेट इनडायरेक्ट एक्स ये फुल फॉर्म में लिखा रहता है क्वेश्चन में आपको हमेशा फुल फॉर्म में गिवन होगा That is a 700 meters. 700. जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिख लिया साइड में रख देते हैं आप समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन देखिए हमें क्या लिखा है क्या पूछा है इन्होंने अभी मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ते हैं ये क्या लिखा है आपने ये लिखा हुआ है जो आपको दिखा है आपको निकालना क्या है क्या करना है अभी हमें निकालना है किसकी हेल्प से निकालना है इसके हेल्प से निकालना है ठीक यानी कि जो फाइंड आउट करना है वो यहां लिख लो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट यानी यहां एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट यहां पर आ गया वो साइड में लिख जो गिवन है स्टार्टिंग में जस्ट इसके अपोजिट वो लिख लो और क्या दिया है ये हमें कितना दिया है जी एन पी एट मार्केट प्राइस ये हमें गिवन है ठीक है ये गिवन है हमें यहां पर अब देखिए एक एक करके करते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां से अब देखिए हमें ये निकालना है इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है इसकी हेल्प से एक एक करके पकड़ते हैं दैट इज जी टू एन ग्रॉस से अगर नेट में आना हो तो क्या माइनस करते हैं 20,000 से 16,000 अगर था इट मींस माइनस डेप्रिसिएशन याद है क्या था ये ग्रॉस है और नेट में आना है तो क्या कर रहे थे वहां पर हम वहां पर अगर हमने 20,000 का मोबाइल खरीदा था तो उसमें से हमने क्या किया था 20,000 से अगर हमें नेट फाइंड करना तो यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करना था और डेप्रिसिएशन माइनस क्या किया है यहां पर माइनस यहीं पर माइनस कर अब देखिए एन से किस पे आना है दैट इज इट मींस नेशनल से आपको कहां आना है नेशनल से आपको कहां पर आना है हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है यानी जो आउटसाइड वाला माइनस करना है यानी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हमें माइनस करना है पीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा क्या करते हैं हम एन आई टी और ये हमको समझ गए बस तो कंप्लीट हो गया यहां से आता का इट मींस हमने इसका भी चेक कर लिया ये भी हमने देख लिया ठीक है हमने ये इक्वेशन बना ली अब हमें क्या करना है सिर्फ यहां पर वैल्यू रखनी है न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा देखिए वैल्यू रखनी चली जाएगी जीएनपी एमपी कितना है जीएनपी एट एमपी दैट इज 8,000 माइनस क्या है डेप्रिसिएशन कितना है 600 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 300 और एनआईटी कितना है माइनस 700 इसको सॉल्व करेंगे 1/1 एक साथ नहीं करेंगे कैसे करेंगे 1/1 सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे 8,000 यहां पे 8,000 लिखा है अब हम इसमें से घटाते चले जाएंगे पहले ये घटाएंगे फिर इसमें से ये घटा लीजिए चाहे जैसे फिर ये घटा लीजिए वो आपकी मर्जी है माइनस माइनस से प्लस होता है प्लस से भी ऐड कर सकते हैं पर 8,000 मतलब 600 क्या कितना बच गया 7,400 बच गया ये 600 चला गया कितना बचा -300 -700 ये दोनों का जो 7,400 -703 माइनस माइनस प्लस 1,000 तो
कितना बच जाएगा, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 6,000 रुपया आपका आंसर आएगा। चौहत्तर सौ में ना, यानी सॉरी यानी आपके पास 6400 आएगा। 6400 में कितना कितना बचेगा, 6400। ये अमाउंट बचेगा न्यूमेरिकल 100। इट मींस नाउ अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहां पर फाइंड आउट किया है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, वन क्वेश्चन मोर, समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए
तो कितना हो जाएगा आपको भाई, प्लस लगाया है, प्लस साइन तो सेम आ गया। अब एन आई टी जे क्या लिखेंगे आप, जब नेट निकालना है नो वेरिएबल एन आई टी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, हमको पता है। तो कितना इनडायरेक्ट टैक्स देख लीजिए, ये लिखा आई टी 180 माइनस सब्सिडी कितना है 70, बस वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के लिए कर लीजिए देखिए, तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये निकाला 200 लिखिए या जोड़ लीजिए प्लस, सॉरी सॉरी प्लस का तो खत्म हो गया, इट मींस इट इज अ माइनस, कितना आ रहा है 110 का 50 गया तो कितना बचा 60 बचा 60, ये प्लस है प्लस लगाया ब्रैकेट लगाया 180 में 70 है कितना बचा दैट इज 90, तो कितना हो गया माइनस 60 प्लस 90। अब इसमें से 60 का कितना बचेगा 2200 में से, यानी कि 2140 प्लस 90 एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा अगर 21 में जोड़ दिया जाए, यानी कि 2230। चेक आउट दैट इज ए आंसर है। नहीं 2250 आ रहा है दैट इज अ चेक कर लीजिए एक बार, 60 है आपका 2200 दैट इज 2200 हो गया माइनस नेट फैक्टर, साठ 180 में 70 इज लेस गया, यानी कि ओ देखिए 180 में अगर 70 जाएगा तो कितना बचेगा 110, 180 में 70 गया तो 110, यहां गड़बड़ हो रही है 60 गया कितना बचेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा 110, 20 बढ़ गया यानी कि 2250। सो दैट ठीक है, ध्यान से करिएगा, हो जाता है कभी कभी एक कैलकुलेशन में आ जाता है, तो कितना गया 2250, बहुत ध्यान से करिएगा, इससे मुझसे हुआ ऐसे आपसे भी हो सकता है ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा थोड़ी सी सावधानी हट जाती है पूरा निमार्कल गलत। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे जो हमने अब तक किए इस बेसिस पे, चलिए एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं ऐसी बात। चलिए क्वेश्चन ये लिखते हैं, समझ लीजिएगा इसमें क्या क्वेश्चन कर लीजिएगा, तरीका यही है इसी से सॉल्व होगा आपके सारे न्यूमेरिकल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट इज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट, और गिवन है आपको जी एन पी एट एम सी सॉरी एम पी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 6000 रुपीज, सब्सिडी आपको गिवन है दैट इज 200 रुपीज, डेप्रिसिएशन इज गिवन दैट इज 100 and NFIA that is given 400 and indirect tax IT is equal to 300, 6200, 100, 400 and 300, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सेम चीज वही करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है यानी कि NDP at factor cost is equal to क्या गिवन है GNP मार्केट प्राइस के गिवन है ठीक है। अब हमें इसे निकालना है फटाफट बिना सोचे समझे, ग्रॉस से अगर नेट पे आते हैं तो क्या करते हैं हमेशा, ग्रॉस से अगर नेट पे निकालेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन कर लिया ठीक है। नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे आना है तो क्या करते हैं, आउटसाइड का माफ कर हम निकाल देते हैं, यानी कि माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सॉरी
ठीक है, पीपीसी मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करते हैं माइनस एन आई टी, ये काम है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं फटाफट, कितने हो गए 6000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है दैट इज 100, दैट इज 100 रुपीज, ठीक है, माइनस डेप हो गया, माइनस एन एफ आई ए हमें दिया है माइनस 400 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड माइनस एन आई टी, माइनस एन आई टी हमें दिया क्या है इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया है, ये दिया होगा, इट मींस 300 माइनस 200 ये गिवन, तो कितना हो गया 6000 माइनस 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बीएससी लिखिए इसमें माइनस 400 माइनस प्लस डायरेक्ट कर लीजिए कितना हो गया ये भी 100 हो गया, ठीक है, चलिए 6000 ये लिखा 6000 में से घटा दीजिए 100 कितना बचेगा 5900 माइनस 400 माइनस 100 कितना हो गया 5900 माइनस माइनस प्लस कितना 500 हो गया यानी कि माइनस 500 कितना हो गया 5400 ये आपका आंसर आएगा 5400 कितना आया चेक आउट यस 5400 दैट इज योर आंसर ये आपका आंसर कुछ नहीं करना सिर्फ फॉर्मूला रखना है जो तीन कंसेप्ट बताए हैं उसको फॉलो करना है हर क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा इतना मुश्किल नहीं होगा तो गाइस प्रैक्टिस करिएगा ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे